आपका क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर 3,0, -1,-6 एंड 4,-1। ऑल्सो फाइंड इट्स सर्कम रेडियस। नाउ तो इसमें देखो आपका इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है देयर इज अ ट्राइंगल। सपोज दिस इज आवर ट्राइंगल, तो दिस इज योर ए, दिस इज योर बी एंड दिस इज योर सी, ठीक है ना। तो इसके कोऑर्डिनेट इसमें दे रखे हैं, दिस इज योर ए, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया। व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट द सर्कम सेंटर, दैट मीन्स सेंटर ऑफ दिस ट्राइंगल, ठीक है। वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये देखो इसको बाइसेक्ट करो और इसको क्या करना है आपको, सेंटर तक लेकर आना है दिस ऑल्सो, ठीक, एंड इसको भी यहां से। तो दिस पॉइंट इज योर सर्कम सेंटर नाउ, दैट मीन्स आपका क्या है, तो सपोज दिस पॉइंट इज योर ओ, तो आपका ये सर्कम सेंटर का मतलब क्या है, इफ यू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन ओ टू बी, दैट इज इक्वल टू ओ टू सी एंड दैट इज इक्वल टू ओ टू ए। तो नाउ वी कैन से ए ओ इज इक्वल टू बी ओ इज इक्वल टू सी ओ, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, जस्ट वी विल कीप, क्योंकि हमको ये निकालना है, तो एक्स के ओ के कोऑर्डिनेट वी विल टेक एक्स कॉमा वाई, तो हम ले लेंगे एक्स कॉमा वाई, ठीक है ना। तो अब हम डिस्टेंस फॉर्मूला लिखते हैं, तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या होता है, दैट इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स टू -X1 होल स्क्वायर प्लस वाई टू -Y1 होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी विल टेक एओ, एओ तो एओ, एओ इज इक्वल टू वी कैन से रूट अंडर, नाउ देखो क्या है आपका एक्स माइनस ए, है ना। तो ए की कोऑर्डिनेट इज दिस, तो एक्स -3, तो एक्स -3 होल स्क्वायर प्लस वाई -0 होल स्क्वायर, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, अब देखो ये आपका क्या आ रहा है, एक्स -3 होल स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर -6X प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर, तो ये आपका आ गया एओ। अब हम निकालेंगे बीओ, तो बीओ, तो बीओ देखो क्या है हमारा, एक्स माइनस ऑफ -1 एक्स प्लस 1, तो ये आपका आ जाएगा एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ऑफ -6 इज प्लस 6, तो वाई प्लस 6 होल स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू, देखो क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2X प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12Y प्लस 36, ठीक है। तो बीओ भी हो गया हमारा, नाउ कम्स योर सीओ, तो सीओ देखो क्या है आपका, रूट अंडर नाउ, तो ये देखो आपका एक्स -4, एक्स -4 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ऑफ -1, तो वाई प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है ना। इसको सॉल्व करो, देखो क्या आ रहा है आपका, रूट अंडर एक्स स्क्वायर -8X प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2Y प्लस 1, ठीक है ना।
तो हमारे पास में अभी तीन इक्वेशंस हो गए, वन इक्वेशन, टू इक्वेशन एंड दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन। नाउ अब आपको क्या करना है, एनी टू इक्वेशंस को आप इक्वेट करेंगे, क्योंकि वी नो दैट AO इज इक्वल टू BO इज इक्वल टू CO। तो फर्स्ट वी विल टेक वन एंड टू, तो वन एंड टू को इक्वेट करेंगे एंड स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो स्क्वायरिंग जब हम करेंगे तब क्या होगा आपका, ये जो स्क्वायर रूट है इट विल गो, तो फर्स्ट वन एंड टू का कर रहे हैं तो स्क्वायर रूट वी विल नॉट राइट, व्हाई मींस वी हैव डन द स्क्वायरिंग। तो ये देखो आपका क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस नाइन दैट इज इक्वल टू, नाउ इसका भी सेम करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नेक्स्ट इज प्लस टू एक्स प्लस ट्वेल्व वाई एंड नेक्स्ट इज योर प्लस 37, ठीक है। तो लेफ्ट एंड राइट में जो इक्वल है इंक्लूडिंग साइंस एंड कोएफिशिएंट्स आप उसको कट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर कट कर दिया। ये जो वैल्यूज है उसको हम एक साइड में लेकर जाएंगे, यहां पर देखो -6x है, वी विल ब्रिंग दिस साइड ऑनली एक ही जगह पे। तो ये देखो आपका क्या आ जाएगा, 2x प्लस 12y प्लस, और वैल्यूज एक साइड में लेकर आएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा +6x, ठीक है, दैट इज इक्वल टू नाउ 39 -37, ठीक है। तो ये आपका देखो क्या हो गया, तो दिस इज इक्वल टू 6 + 2 इज 8x प्लस 12y दैट इज इक्वल टू माइनस, इसको माइनस करो 37 और 9 निकाल दो उसमें से, तो क्या आ गया हमारा 28, तो -28। नाउ वी कैन सी ये हमारा किस क्या हो रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है, तो हम इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, तब हमारा वैल्यू क्या आएगा, देखो 2x प्लस 3y दैट इज इक्वल टू -7, ठीक है। अब हमने 1 एंड 2 किया था यहां पर, अब हम करेंगे 2 एंड 3 इक्वेट, ठीक है। तो 2 एंड 3 एंड स्क्वायरिंग ऑल्सो, तो वी विल राइट 2 एंड 3 इक्वेट एंड स्क्वायरिंग, ठीक है। तो 2 इज दिस, तो सेम चीज लिखते हैं हम, यहां पर हमारा आएगा x² + 2x + y² + 12y + 37 दैट इज इक्वल टू नाउ 3, तो 3 इज दिस, तो x² + y² - 8x + 2y + 17, ठीक है। तो जो इक्वल है लेफ्ट एंड राइट पे वी विल कट देम, तो आपका x² x² y² and y² इक्वल गो। नाउ अब देखो क्या बचा आपके पास में, 2x + 8x = 10x, नाउ +12y और यहां पर है 2 + 2y तो माइनस हो जाएगा, 12y - 2y = 10y +10y दैट इज इक्वल टू, नाउ यहां पर 17 है तो -37 दैट मींस -20,
नाउ अब देखो इसमें आपका क्या है, 10 इज कॉमन, तो वी विल डिवाइड ऑल बाय 10, तो डिवाइडेड बाय 10, तो नया इक्वेशन हमारा क्या आएगा, देखो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस टू। नाउ अब हमारे पास में दो इक्वेशन आ गए, ठीक है, दो इक्वेशन में से अब हम क्या करेंगे, इसमें से एलिमिनेट मेथड करेंगे, तो वी विल मेक दिस एज इक्वल, तो यहां पर देखो 2 है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इनटू 2, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 4, ठीक है। अब ये दोनों को हम साथ में लिखते हैं और माइनस करते हैं, सबट्रैक्ट कर देंगे, तो ये देखो आपका क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू माइनस 7, दिस वन एंड दिस इज योर 2x प्लस 2y दैट इज इक्वल टू माइनस 4। नाउ सबट्रैक्ट, तो सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, द साइन विल गेट चेंज्ड, तो अब आपका क्या आ जाएगा, देखो 2 एंड माइनस 2 इट्स गॉन, तो यहां पर आपका आ गया y, तो y इज इक्वल टू वी कैन से माइनस 3, तो y इज माइनस 3 नाउ। अब हमको वैल्यू निकालनी है x की, ठीक है, तो ये वाली वैल्यू वी विल पुट हियर एनीवेयर, दोनों में से एक में डाल देंगे, तो हमने यहां पर डाल दिया, तो ये देखो क्या हो जाएगा आपका, 2x प्लस 2 इंटू माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 4, ठीक है, तो ये आ गया आपका 2x माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 4, तो 2x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 6, तो 2x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 1, तो नाउ द कोऑर्डिनेट्स आर 1 एंड माइनस 3, ठीक है, तो ये जो हमारा सर्कम सेंटर है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 1 एंड माइनस 3। नाउ अब इसमें देखो आगे क्या बोला है, ऑल्सो फाइंड इज सर्कम रेडियस, सर्कम रेडियस मीन्स द डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस आर इक्वल, तो ये दोनों वैल्यू वी विल पुट इन एनी वन, तो हमने क्या किया, इसे सीओ में डाल दिया, तो क्या हो गया, देखो सीओ रूट अंडर नौ एक्स इज 1, तो 1 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस वाई इज माइनस 3, तो माइनस 3 प्लस 1 होल स्क्वायर, तो ये देखो कितना आ रहा है आपका, रूट अंडर लॉग 1 माइनस 4 इज माइनस 3, माइनस 3 स्क्वायर इज 9 प्लस माइनस 3 प्लस 1 इज माइनस 2, माइनस 2 स्क्वायर इज 4, तो ये आपका आ गया 9 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू वी कैन से इट्स रूट 13, तो दिस इज योर यूनिट्स, ठीक है।